है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। समय से टकराकर अनेकों इतिहासों की रचना करने वाले एक ऐसे ही विरले इतिहास पुरुष हैं, परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज। आचार्य बालकृष्ण जी जिनमें छवि है एक लौह पुरुष की, दृढ़ संकल्प है एक कर्मयोगी का, तेज है एक महायोगी का, पुरुषार्थ है एक योद्धा का। संस्कृति की रक्षा के लिए इसी के द्वारा हम प्रायोजित रही हैं, अभी तो अपने अंतःकरण की आवाज को सुनकर के एक सिपाही की तरह से, एक पथिक की तरह से पथ के अनुगामी हम हैं, यह हम सबको पता होना चाहिए। आचार्य बालकृष्ण जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने कठोर तप व अथक परिश्रम से योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के साथ मिलकर योग व आयुर्वेद को विश्वव्यापी बना एक क्रांति का उद्भव किया। आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने अनेकों जीवन उपयोगी जड़ी बूटियों पर शोध कर ऐसी दैवीय औषधियों का निर्माण किया जो आज आम जनमानस के जीवन में संजीवनी का कार्य कर रही हैं। योग क्रांति के बाद विश्व पटल पर अभ्युदय हुआ ऋषि क्रांति का, जिसका नेतृत्व आचार्य जी ने ही किया। किसानों एवं गरीबों का शोषण करने वाली व्यवस्था पर चोट करने वाली इस क्रांति के माध्यम से आचार्य जी ने उन लोगों के जीवन को एक नई रोशनी दी जो कभी दो जून की रोटी को भी तरसा करते थे। किसानों को फसल के उचित दाम एवं गरीबों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने वाले आचार्य जी को ये लोग अपना मसीहा तक मानने लगे हैं। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के हर स्वप्न को अपने दृढ़ संकल्प से पूर्ण किया है आचार्य जी ने। आज सारा देश भ्रष्टाचार से कराह रहा है, ऐसे में स्वामी रामदेव जी के भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान में भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने। राष्ट्रभक्ति के इस पथ पर न जाने कितने ही कष्ट और यातनाएं उनको झेलनी पड़ी, लेकिन आचार्य जी के कदम कभी नहीं डगमगाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज इस आंदोलन में यहां खड़ा होकर के पतंजलि योगपीठ को बनाने के लिए हमने अपने तन मन धन और पूरी जवानी को लगा दिया है। यदि सरकार चाहती है पतंजलि योगपीठ, उसकी आवश्यकता है, तो श्रद्धेय स्वामी जी और हम आज ही यहीं से सहर्ष देने को तैयार हैं। उस पतंजलि योगपीठ को संभाल लें, हमें पतंजलि योगपीठ की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है देश के 80 करोड़ लोग जो गरीबी बेरोजगारी और भूख में सोते हैं, जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, बदले में उनको भरपेट भोजन दे दें। हमारा जीवन तो उसी के लिए है, इसीलिए हम जी रहे हैं। आज ऐसे महान कर्मयोगी महायोगी लौह पुरुष जैसे अनेकों विभूषणों से अलंकृत परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर पतंजलि योगपीठ एवं आस्था परिवार उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए आचार्य जी के चरणों में शत शत नमन करता है।